हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में तो आज हम कमीज़ की कटिंग के बारे में बताएंगे तो मैंने कमीज़ को डबल फोल्ड करके कुछ इस तरीके से रखा है इसे डबल फोल्ड किया है और एक बार मैं इसे और फोल्ड करूंगी ताकि दोनों साइडों को एक साथ ही मैं इसकी कटिंग कर सकूंगी तो जहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से इसको बराबर रखा है और बराबर रखने के बाद में मैं इसको ऊपर से एक बार जहाँ से बराबर करूँगी तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक साइड इसमें बड़ी है तो अब हमें बराबर मार्किंग करके इसको कटिंग करना है जहाँ से मैंने इसको बराबर रखा है और बराबर रखने के बाद में मैं इसकी कटिंग कर दूँगी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे निकाल दूंगी और जहाँ से मैंने कटिंग करने के बाद में अब आपको इसकी लेंथ नापनी है कि आप इसकी लेंथ कितनी रखना चाहते हैं तो जहाँ से कुछ इस तरीके से आपको बराबर कर लेना है एक साइड से बराबर करने के बाद में इसमें आपको लेंथ आप अपने सूट के अनुसार रख सकते हैं कि आपको जितना सूट चाहिए आप उतनी लेंथ रख सकते हैं मुझे इसमें तरतालीस इंच की लेंथ ली है मैंने तो आप कम या फिर ज़्यादा भी रख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से मैंने जहाँ पे सात इंच पे मार्किंग किया है और जहाँ से सात इंच पे करने के बाद में मैं अब साढ़े बारह इंच पे करूंगी तो कुछ इस तरीके से कमर का निशान लगाया है मैंने यहाँ पे तो अब मैं इसमें हिप पे निशान लगाऊंगी जो साढ़े बाईस इंच पे निशान लगाया है मैंने तो इन सभी निशानों को मैं कुछ इस तरीके से फट्टी की हेल्प से मिला दूंगी इस तरीके से जब तक मैं इसमें इस फट्टी से इन निशानों को मरा रही हूँ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके हमें बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आए तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं तो कुछ इस तरीके से मैंने इन फट्टी की हेल्प से इस तरीके से इसे मिलाया है तो जहाँ से इस तरीके से मिलाने के बाद में मैं अब इसको ऊपर से तीरे का निशान लूँगी आप जितना इसमें रखना चाहते हो आप उतना रख सकते हैं तो मैंने साढ़े छः इंच पे तीरे का निशान लिया है और यहाँ से भी मैं साढ़े छः इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से कुछ लगाने के बाद में इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे हम और जहाँ से मिलाने के बाद में अब हमें मोड़े की कटिंग करनी है तो उसके लिए पहले हमने छाती की नाप लेनी है तो मैंने इसमें नौ इंच पे रखा है आप जो भी इसमें कटिंग कर इसमें जिस नाप का सिलाई कर रहे हैं आप उस नाप का लेना है तो इसमें मैंने डेढ़ इंच पे रखा है तो जहां से रखने के बाद में मैंने कुछ इस तरीके से मोडे की कटिंग की है जहां से जहां से लगाने के बाद में अब हमें कमर का निशान लेना है तो मैंने साढ़े आठ इंच पे रखा है यहाँ से तो कुछ इस तरीके से मैं साढ़े आठ पे इंच पे निशान लगाऊंगी और अब हमें कमर छाती हिप का निशान लेना है आप इसमें जो भी रखना चाहते हैं उस नाप का रखना तो कुछ इस तरीके से मैं इसे साढ़े नौ इंच पे रखूंगी तो जहां से रखने के बाद में मैंने जहां से निशान लगाया है कुछ इस तरीके से और लगाने के बाद में इन सभी निशानों को हम आपस में मिला देंगे तो कुछ इस तरीके से मैंने इन निशानों को मिलाया है तो आप दोनों साइडों से कुछ इस तरीके से मिला लेना इसमें और मिलाने के बाद में थोड़ा आप जहाँ पे अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है आपके पास तो आप दो इंच जगह छोड़ के ये निशान लगा सकते हो तो लगाने के बाद में अब हमें गले की निशान लगाएंगे तो हमने कुछ इस तरीके से दो इंच पे रखा है ये निशान और इस निशान को हमने अब चार इंच पे रखा है तो इन दोनों को कुछ इस तरीके से मिला देंगे जहाँ पे भी हम एक बॉक्से की तरह बनाएंगे कुछ इस तरीके से मैंने इन दोनों को मिलाया है और मिलाने के बाद में आप जो भी इसमें डिजाइन लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हो गोल रखना है तो आपको उसको थोड़ा आधे इंच पे गुलाई देनी होगी अगर कोई और डिजाइन डालना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको गुलाई दे ली है और अब गुलाई देने के बाद में अब जो साइडों में फट हम मोड़ेंगे कपड़ा उसके लिए आपको निशान लगाना है तो जहाँ से कुछ इस तरीके से मैं इसको फट्टी की हेल्प से आप इस निशान को बिल्कुल बराबर ही रख लेना है और बराबर रखने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से जो नीचे की साइड है आपको वहां से ढाई इंच कपड़ा इसमें फोल्ड करने के लिए छोड़ना होता है जितनी आप लंबाई रखनी है उसके तीन इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है आपको तो जहाँ से आप आधा इंच की कटिंग कुछ इस तरीके से डालनी है आपको तिरछी जहाँ से फट्टी की हेल्प से आप इस तरीके से इसमें थोड़ा तिरछी रखना है तो रखने के बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक का कपड़ा है हम उसे निकाल देंगे तो अब मैंने ऊपर से जो कुछ इस तरीके से निशान लगाया था उसकी कटिंग करूंगी इस तरीके से आप दोनों साइडों को एक साथ ही पहले कटिंग कर सकते हो अगर आप अलग अलग इसकी कटिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो तो मैंने कुछ इस तरीके से पहले पीछे की साइड की कटिंग की है तो जहां से मैंने अब इन दोनों को अलग कर लिया था तो जो पीछे की साइड है उसमें हम कुछ नहीं करेंगे अब तो जो आगे की साइड है उसमें हम आधे इंच की कटिंग और डालेंगे मोडे की तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको आधे इंच की और कटिंग कर ली है करने के बाद में अब हमें बाजू की कटिंग करेंगे आप सबसे पहले इसकी लेंथ नापनी है आपको कि जितनी रखनी है रखने के बाद में दो इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है और जहाँ से मैंने साढ़े नौ इंच पे रखा है आप अपने मोडे के अनुसार रख लेना तो जहां से आपको साढ़े तीन इंच पे कुछ इस तरीके से निशान लगाना है जहां से निशान लगाने के बाद में अब आपको इन निशानों को कुछ इस तरीके से ऊपर की साइड एक लाइन बनानी है जहां से और एक सीधी लाइन बनाने के बाद में आपको ऊपर से ले नापना है तो मैंने साढ़े सात इंच पे रखा है ऊपर की साइड से तो कुछ इस तरीके से आप तिरछी कटिंग कर सकते हो जहां से गोलाई देते हुए इसको तो अब आपको आगे मोरी की साइड रखना है आपको जितनी चाहिए उसमें इसमें आप कम या फिर ज्यादा भी रख सकते हो तो मैंने इसे कुछ इस तरीके से निशान लगा लिया है सीधा जहां से लगाने के बाद में अब आपको जो डे... डेढ़ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था उसमें हमें डेढ़ इंच पे निशान लगाना है तो कुछ इस तरीके से मैं इसमें डेढ़ इंच पे निशान लगा रही हूं आधा इंच ऊपर की सिलाई में आ जाता है कपड़ा तो आपको दो इंच एक्स्ट्रा छोड़ना होता है इसमें तो अब आपको निशान लगाने के बाद में दो इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़कर इसमें कटिंग करनी होगी है तो कुछ इस तरीके से आप कटिंग इसकी कर सकते हो इस तरीके से मैंने इसे बाजू की कटिंग की है तो अब आपको इसको उल्टा करके अब दो साइडों से इसमें कपड़ा ऊपर से उठाना होता है और दो पड़े रहने होते हैं तो ऊपर की साइड आप आधे इंच की कटिंग कर सकते हो आगे की साइड आएगी जो सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू